क्रिकेट के न्यूज में इस वक्त की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज ये रही आपके सामने। 4 सितंबर को नेपाल के खिलाफ जीत दर्ज कर भारतीय टीम ने एशिया कप 2023 के सुपर फोर के लिए क्वालिफाई कर लिया है। कैंडी के मैदान पर दोनों टीमों के बीच मुकाबला खेला गया। टॉस जीतकर रोहित शर्मा ने पहले बल्लेबाजी करने के लिए नेपाल को न्योता दिया, जिसके बाद टीम ने 230 रन का स्कोर खड़ा किया। लेकिन बारिश की वजह से DLS विधि के तहत नया लक्ष्य तय करना पड़ा और टीम इंडिया को 145 रन का टारगेट मिला, जिसे भारत ने आसानी से हासिल कर लिया। इसके बावजूद रोहित शर्मा को सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग झेलनी पड़ी। दरअसल पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय टीम की बल्लेबाजी बेहद ही खराब रही थी, लेकिन नेपाल के खिलाफ सलामी बल्लेबाजों ने ही लक्ष्य को हासिल कर टीम को जीत दिला दी। इसलिए भारतीय फैंस टीम इंडिया से निराश हुए और उन्होंने खिलाड़ियों की खिल्ली उड़ाई। इसी के साथ बता दें कि रोहित शर्मा ने 74 और शुभमन गिल ने 67 रन की नाबाद पारी खेली।